मैं आज आप लोगों के बीच में आज बात कर रहा हूँ। एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, आज भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रूप से आपके बीच में हो, वो राहुल गांधी जी का देन है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। हम कभी सोच नहीं सकते ऐसे पद दिया है। मैं राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज सब लोग देश पर इकट्ठा हुआ है। इस गुंगे मेरा निकम्मे सरकार ने देश के सामने जो नींद करने जैसा ड्रामा कर रहा है, कोई व्यक्ति इस देश में नींद कर रहा है उसको हमने जगा सकता है? कोई व्यक्ति नींद कर रहा है तो उसको जगा सकता है? ये लोग ड्रामा कर रहा है। अब आती लेके आके जगाने का कोशिश करो, ये लोग जगाएगा नहीं है, ये तो ये लोग ड्रामा कर रहा है। इस देश का अन्नदाता लगभग 3 महीने से चारों बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर हो, टिकली बॉर्डर हो, शाहजहानपुर बॉर्डर हो और गाजीपुर बॉर्डर में लगातार इस 3 काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लगभग 150 के ऊपर इस काला कानून के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो चुका है। ये सरकार के पास समय नहीं है ये एक शब्द बोलने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप मन की बात करता है, इस देश का अन्नदाता के बारे में अपने बात नहीं करता। इनका मंत्री तोमर कहता है ये काला कानून क्या है, काला क्या है मैं बता रहा हूँ। जो ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता हो, ये बीजेपी का एक मंत्री हो, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह हो, इनके आप लोग का दिल को खोल के देखो, आपका दिल के अंदर काला है, वही आप लोग ने काला कानून लाया है।